करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी में स्मारिका का विमोचन उनके द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रपति कर्म योगिनी है। उन्होंने अपने कर्म से एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत गीता सदन के अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ करने के साथ ही प्रदेश की 3 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 18वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। और वहीं समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने मनोहर सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में चर्चा करते हुए मनोहर सरकार की सराहना की। लाखों अंत्योदय परिवार के लाभार्थियों के लिए लागू की जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करके आज मुझे बहुत संतोष अनुभव हो रहा है। जिला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानस की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूत हिते रहता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र होते हैं। जनकल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और GPS सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये व्यवस्था गीता में बताया गया है कि योग कर्मसु कौशलम के आदर्श का उदाहरण है। यातायात तथा परिवहन को कुशलतापूर्वक संचालित करने की इस पहल के लिए मैं एक बार फिर हरियाणा सरकार को सराहना करती हूँ। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है और वहां पर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी के स्मारिका का विमोचन किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति कर्म योगिनी है। अपने कर्म से एक छोटे से गाँव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ करने के साथ ही प्रदेश की 3 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 18वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की और समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने मनोहर सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में चर्चा की और मनोहर सरकार की सराहना की। तो